सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल कश्मीर और हम बराए रास्त है शहरी श्रीनगर के जो मेन जो यहाँ का हब है दैट इज बटमालू की मेन बाजार से हम लाइव है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक की मूवमेंट, हालांकि सही है प्राइवेट ट्रैफिक जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है या जो कुछ कमर्शियल गाड़ियां भी देखने को मिल रही है, बट वहीं अगर देखें तो आप देख सकते हैं मार्केट पूरी तरह से बंद है। जिस तरह से कहा गया था कि रोस्टर के हिसाब से जो ऑफिशियल ऑर्डर है उसके हिसाब से एक दिन मार्केट खुली रहेगी दूसरे दिन बंद रहेगी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं मार्केट जो है बंद है। यही नज़ारा लाल चौक का भी है और ये बटमालू आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट है वो गाड़ियाँ दिख रही है और वहीं एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं मार्केट पूरी तरह से बंद है। तो इससे ये समझ आता है कि जो लोग हैं वो बिल्कुल जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स का ऑर्डर है उस पर अमल किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये मेन मार्केट है बटमालू का, दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी चल रहा है लेकिन वहीं एट द सेम टाइम उसके साथ साथ आप देख सकते हैं मार्केट पूरी तरह से बंद है। लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है और अच्छा खासा रश भी दिखाई दे रहा है। अब यही मकसद जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वो यही है कि लोगों को जो जैसे हमने पहले ही कहा था कि थोड़ी रियायत दी जाए लोगों को, क्योंकि अभी शादियों का सिलसिला भी है, काफ़ी ट्रेडर्स जो है उनका एक देखा जाए तो ये सीज़न भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हर कोई ट्रेडर होता है अपने हिसाब से, उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि काम उठेगा तो हम काम करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी वक्त हो चुका है, बिजनेस फ्रेटर्निटी जो है काफ़ी सफ़र कर रही है वो हम सब जानते हैं। ये सड़कें आपको पता ही हैं कि कितनी भरी हुई होती थी, अगर अभी की बात करें जून जुलाई या अभी शादियों का सीज़न जब होता है बहुत भरा हुआ रहता था और ये छावड़ी फरोश यहाँ पे देखने को मिलते थे और वहीं काफ़ी रश रहता था ट्रैफिक का भी, लेकिन वहीं आप देख सकते हैं आज खाली सड़कें हैं और इससे ये पता चलता है कि लोग इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि कोविड है और कोविड के चक्कर में अगर रिलैक्सेशन दी गई है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सो भी यही मकसद था कि आपको ये नज़ारा दिखाया जाए और आपसे यही दरख्वास्त है आप सबसे SOPs का फॉलो करें, गाइडलाइंस का फॉलो करें और इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करें, सो दैट कि आने वाले दिनों में हमें यही सुनने को मिले कि पूरी तरह से जो है लॉकडाउन हटा दिया गया है जब हम ग्रीन प्रॉपर हो जाएंगे जिस तरह से काफ़ी रियासतों में शायद किया गया है। अब ये देखना होगा कि आगे का जो रद्दअमल होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आगे का प्लान होगा वो किस तरह का होगा, क्या वो ये होगा कि फुल फ्लैज्ड मार्केट खोले जाएं, बिकॉज अगर आप ट्रैफिक खोल देते हैं और मार्केट्स बंद रखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए और मार्केट बंद है तो कोई फ़न नहीं है। उससे ये भी है कंप्लेंट कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनकी ये डिमांड अभी अगर देखें तो ये है कि उनका ये मानना है कि अगर हम निकले तो दो दिन हमें या तीन दिन हमें निकलना है, बिकॉज ऑलरेडी सैटरडे संडे जो है वीकेंड्स पे जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो ये है कि वीकेंड्स पे कंप्लीट बंद रहेगा, कोरोना कर्फ्यू रहेगा और वही जो पाँच दिन बचे हैं उसमें पाँच दिन में आपको ऑल्टरनेट ही अपना काम करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद भी आपको SOPs वगैरह का फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक ये बैलेंस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ट्रांसपोर्ट को आप बंद रखते हैं और दुकानें खुली रखते हैं, तो इस पर किस तरह से आगे काम किया जाएगा इस पर शायद मुझे लगता है अभी मीटिंग्स होने जा रही है। तो हम उम्मीद करेंगे हम पूरी तरह से कॉपरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ या जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या जितने भी डॉक्टर साहबान हैं जिसने मेहनत करी है अभी तक, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम ग्रीन ही हो जाए, रेड दोबारा ना हो जाए, बिकॉज अभी ज़रूरत है लोगों को काम करने की, अभी ज़रूरत है मार्केट को दोबारा शुरू होने की, सो दैट कि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान हुआ है अभी तक उससे हम बचें और अल्लाह ताला से दुआ कि हम बहुत जल्द इस वबा से लड़के वापस आ जाएं और सब लोग अपने काम में लग जाएं, छोटा छोटे हिसाब से बड़ा बड़े हिसाब से, बिकॉज नुकसान तो सबका हो रहा है देखा जाए तो। फिलहाल आप देख रहे थे बोल कश्मीर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।